see this coconut development board. Thing new. ये सब कोकोनट से बना हुआ है. ओके. ये सारी this is all made from wood. ये सारी चीजें यहाँ पर लेके wood की बनी हुई है. ये सारे पीछे wood का बना हुआ है. ये सारी मूर्तियाँ भागलपुरी सिल्क जो है मैम, सबसे पहले तो ये सिल्क बॉम से बनता है, जो सिल्की जो कीड़ा होता है ना उससे बनता है ये. और ये अपने आप में खास होता है मैम, क्योंकि भागलपुरी सिल्क हर जगह अवेलेबल नहीं होता है. और ये जो मेन जो जो सिल्क बॉम है ना मैम, उसके लार्वा से ये पूरा रेसा तैयार होता है. पूरी बीज इसकी होता है, दैन इसकी प्रोसेसिंग होती है. भागलपुरी सिल्क अपने आप में आने में से जो हाँ वही. थैंक यू सो मच. या थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी. और आपका स्टॉल भी बहुत सुंदर है. देख यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे ड्रेसेस और साड़ियाँ हैं. मैम एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ. हाँ ये हमारा प्रोडक्ट है. ये थोड़ा डिफरेंट प्रोडक्ट है. कैसे? केला सिल्क है, केला रेशम. केला के पत्ते से जो धागे निकलते हैं ना, हाँ हाँ, उससे बनता है. ओके. केला रेशम. अच्छा. इसका भी हमें GI मिला. ओके नाइस. मैम मुझे भी बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे. क्या है, अलग क्या है इसमें, किस चीज से बना है ये? ये सिल्वर पे बना हुआ है. सिल्वर पे गुलाबी मीना है. अच्छा, सिल्वर पर. हाँ सिल्वर. ओके. सिल्वर पे मीना हुआ है. ओके. मीना जो होता है वो शीशे का होता है. अच्छा. उसे बारीक पीस कर अनार के रस में पहले एक लेयर देते हैं. ओके. फिर उसके बाद
फिर उसके बाद 1000 डिग्री पे उसे हीट करते हैं। ओके, हीट करने के बाद फिर उसके बाद उसका कलर तैयार करते हैं। अच्छा, वो कलर तैयार करने के लिए चंदन का तेल, ओरिजिनल जो चंदन का तेल ओके, उसमें उस कलर को मिक्स करते हैं। अच्छा, अगर चंदन का तेल असली नहीं होगा तो जो मीना हुआ है वो नहीं हो पाएगा। अच्छा, और ये जो मीना होता है ये दो चीज पे ही होता है, या तो फिर सोने पे होता है या फिर चांदी पे। ओके ओके, तो ये तो बहुत लंबी प्रोसेस के बाद बना हुआ है, कितना सुंदर है। हाँ, इसे करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस लगते हैं। हाँ, है ना, टाइम लगता होगा ज़्यादा। और इसका कॉस्ट कितना जाता है, मतलब ये अब सेल कितने में हो रहा है? ये 1000। ओके, इसमें तो इतनी मेहनत है तो इतना कॉस्ट होगा इसका ना। सो थैंक यू इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। आपका नाम? साक्षी शर्मा। बनारस। द्रौपदी मुर्मू मैडम हैज, दैट्स अ गोपालपुर टसर। ओके, ऑन दैट ऑल दिस वर्क, दिस इज अ पट्टचित्र। श्री कृष्णा एंड राधा जी, ऑलवेज पट्टचित्र डिपिक्स द स्टोरी माइथोलॉजी विद रामायण, विद दशावतार, जगन्नाथ जी, रथ यात्रा, all that is shown in Pattachitra. Then all these are the various weaves. And all these are handmade? All these are handloom, handcraft. See, these are all handmade. Okay. And made by particular people, community. Achha. Many centuries. Okay. These are unique, special things. Mm-hmm. Like this one. This exact sari. Indira Gandhi madam had. Is it? Indira Gandhi ma'am. Okay. And now if you look for Sachi Pal and Priyanka Gandhi, you will find she has this type. Okay. Then all varieties in Odisha, Ikat, Pandua. All these are varieties. Dhala Pathara, Sari. This is the Sambalpuri Sari, Pasapali. This is a designer Sari. Then the Bombay Sari. These are Bombay. Then this is the Navarangi and Navakoti Khandwa sari, all auspicious symbols. Elephant, elephant, conch, shadi mein pehnte. Pehnte, acha. Oh, acha. Ab to pata hi nahi. Yes, definitely. Thank you so much for all this information. आपका नाम? जय श्री जगन्नाथ। आई एम डॉक्टर अनीता सापन। ओके, सो इट वाज वेरी नाइस मीटिंग यू एंड सीइंग ऑल दिस ब्यूटीफुल। थैंक यू, नाइस टू मीट यू।
Yeah. All the information. So it's very nice. And we are here. छोले भटूरे दिल्ली की है तो दिल्ली का ही फेमस और ये पूर्णिमा शी इज नॉट वेल टुडे हाउ आर यू फीलिंग और लोग फूड कोर्ट के बाहर खाते हुए और ये फूड कोर्ट अलग अलग स्टेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बना हुआ है. दिस इज महाराष्ट्र. और यहाँ देखिए आप कितना रश. दरबार अवध. झारखंड का फूड स्टॉल है. दिस इज राजस्थान. जोधपुरी मूंग दाल पकौड़ी, मिर्ची वड़ा, प्याज कचौरी, बाजरा रोटी, दिल्ली खाना खजाना, चांदनी चौक के मशहूर स्वादिष्ट ये महाराष्ट्र की. हाँ, पाव भाजी, मटर कुलचा ना, और ये छोला भटूरा.